बहुत सारे लोग कहते हैं जब भी हम ठंडा गर्म कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांतों में बहुत तेज दर्द, सेंसिटिविटी, झंझनाहट होती है, क्या करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ आठ ऐसी चीजें बताऊंगा, आठ चीजें शेयर करूंगा जिससे आपकी झंझनाहट, सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में ना मैंने आपको टूथपेस्ट के नाम भी बताया जो सेंसिटिविटी के लिए रामबाण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत सहनी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। बात करते हैं पहले उपाय की। सबसे पहले क्या कीजिए, आप अमरूद के पत्तों को ना पानी में उबालिए और जो मिक्सचर बनेगा ना उससे गार्गल कीजिए, उससे कुरली कीजिए। आप देखेंगे कि सेंसिटिविटी पर ये रामबन है, ये बड़ा ही इफेक्टिव वे है। दूसरा उपाय जो आपको करना है, अपने ब्रश को देखिए कहीं हार्ड ब्रिस्टल्स वाला तो नहीं है। अगर हार्ड ब्रिस्टल वाला है ना, क्योंकि जब हम हार्ड ब्रिस्टल वाले ब्रश से ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों की तीन लेयर होती है, इनेमल, डेंटिन, पल्प। हार्ड ब्रिस्टल वाले ब्रश से अगर ब्रश करेंगे तो पहली लेयर इनेमल उतर जाएगी, मतलब हटने लग जाएगी, जिसके कारण दूसरी लेयर जो होती है डेंटिन वो धीरे धीरे एक्सपोज होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण सेंसिटिविटी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको जितना जल्दी हो सके मार्केट में अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, उसको कहना है कि हमें सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाला ब्रश दे दीजिए। तीसरी चीज जो आपको करनी है, आपको जोर जोर से ब्रश नहीं करना। अभी नोटिस कीजिए कि आप जोर जोर से तो ब्रश नहीं कर रहे, अगर आप कर रहे हैं ना तो आज से ही आपको रुक जाना है, आपको बड़ा ही धीरे धीरे से ब्रश करना है। क्योंकि ब्रश का ना सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि दांतों पर कुछ भी अगर चिपका हुआ है या दांतों के बीच में कुछ फंसा हुआ है, फूड पार्टिकल, उसको रिमूव करना। जब हम जोर जोर से ब्रश करते हैं तो दांतों की, जैसे मैंने पहले बताया, पहली लेयर इनेमल घिसने लग जाती है, जिसके कारण दूसरी लेयर एक्सपोज हो जाती है। तो चौथी चीज जो आपको करनी है, राइट ब्रशिंग टेक्निक को अपनाना है। अब आप कहेंगे राइट ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ राइट ब्रशिंग टेक्निक के बारे में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पांचवी चीज आपको देखना है कि क्या आप टूथ ग्राइंडिंग तो नहीं करते। अपने फैमिली मेंबर्स को कहिए हमें ऑब्जर्व करने को, सोते वक्त, गेम खेलने वक्त, गुस्सा करने वक्त, क्या हम दांतों को पीसते तो नहीं है, इससे भी सेंसिटिविटी होती है। तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे ना, वो आपको नाइट गार्ड्स बनाकर देंगे। छठी चीज जो आपको देखना है, क्या सेंसिटिविटी आपको होती है तो क्या आपके दांतों पर कैविटी तो नहीं हो गई है, कहीं गड्ढा तो नहीं बन गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कीड़ा वगैरह लगा हो। अगर ऐसा है ना तो तुरंत ही अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और फिलिंग करवा लीजिए, क्योंकि फीलिंग जब तक करवाएंगे नहीं सेंसिटिविटी रुकेगी नहीं, झंझनाहट होती ही रहेगी जब आप ठंडा गर्म खाएंगे। तो सातवीं चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पिए, कोल्ड ड्रिंक्स को ना आप पाइप के साथ, स्ट्रो के साथ पीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स ना एसिडिक होते हैं और हमारे दांत की जो ऊपर वाली लेयर है इनेमल वो बेसिक नेचर की होती है, और आपको पता ही है एसिड चीजें और प्लस बेसिक चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, जिसके कारण आगे चल के काफी सारी मतलब कैविटीज वाली प्रॉब्लम सामने आती है और ये भी एक सेंसिटिविटी का कारण होती है। तो आपको क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को हमेशा स्ट्रो से पीजिए अगर पीना है, और कोल्ड ड्रिंक के पीने के तुरंत ही बाद आपको नॉर्मल पानी से ना कुरली जरूर कर लेनी है। और आठवीं चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वादा किया था, बताऊंगा कुछ टूथपेस्ट के नाम जो सेंसिटिविटी के लिए रामबन है, बट ध्यान रखिएगा ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट होती है, इनको 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिएगा। 2 से 4 हफ्ते जब जब आपको सेंसिटिविटी है तभी कीजिएगा, उसके बाद आप नॉर्मल टूथपेस्ट पर शिफ्ट कर लीजिएगा। कुछ नाम आपको बताता हूँ, जैसे कोलगेट सेंसिटिव, दूसरी थर्मोसिल, तीसरी हो सकती है सेंसोडाइन रिलीफ, आपको बहुत आसानी से आपके नज़दीकी क्लिनिक से, मार्केट से मिल जाएंगी। तो ये थे आठ चीजें, और अगली वीडियो में मैं आपके साथ ना कुछ घरेलू उपाय भी शेयर करूंगा सेंसिटिविटी को खत्म करने के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बताना चाहूंगा, मैं भारत की पहली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ डेंटिस्ट की, जहाँ पर मेरा एक ही मिशन है कि भारत के लोगों को अवेयर करना दांतों रिलेटेड कोई भी समस्या हो उनको समाधान देकर। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, नीचे मैंने ना गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जिसमें हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहेंगे। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज डॉक्टर प्रभजीत सहनी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।